नमस्कार, मैं प्रज्ञांश तिवारी टेक्निया न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। वक्त हो चुका है आज की 10 बड़ी खबरों का। संसद में पारित होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तीनों आपराधिक विधेयकों भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 को स्वीकृति दे दी है। नए अधिनियमों में प्रथम सूचना रिपोर्ट से लेकर केस डायरी, आरोप पत्र और अदालत के फैसले तक की पूरी प्रक्रिया डिजिटल बनाने का प्रावधान है। नए कानूनों में हत्या, मॉब लिंचिंग मामले में मृत्यु दंड का प्रावधान भी किया गया है। साथ ही इन कानूनों में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े कई प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। खेल मंत्रालय ने नवनिर्वाचित भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष संजय सिंह को निलंबित कर दिया है। हाल ही में संजय सिंह ने अंडर 15 और अंडर 20 आयु वर्ग के लिए उत्तर प्रदेश के गोंडा में राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजन की घोषणा की थी। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले पहलवानों को इसकी पूर्व सूचना न दिए जाने के कारण मंत्रालय ने इसे जल्दबाजी में की गई घोषणा करार दिया है। साथ ही मंत्रालय ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष को कई प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण अगले आदेश तक अपनी सभी गतिविधियां निलंबित रखने का निर्देश भी दिया है। मंगलवार को भारत मंडपम में आयोजित हुए वीर बाल दिवस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए। पीएम मोदी ने साहिबजादों के बलिदान दिवस के मौके पर समाज को ड्रग्स की चपेट से बचने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने ड्रग्स को देश की गंभीर समस्या बताते हुए समाज और परिवार से इसके लिए सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की है। साथ ही मोदी ने कहा है कि वीर बाल दिवस अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मनाया जाने लगा है। अब दुनिया हमारे पूर्वजों को हमेशा याद करेगी। सोमवार को टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज ग्रुप के स्कूल ऑर्लेंस द स्कूल के कार्निवल कार्यक्रम का धूमधाम के साथ समापन किया गया। क्रिसमस के मौके पर आयोजित किए गए इस कार्निवल में देशभक्ति, भारतीय संस्कृति और यीशु के संदेशों का संगम देखने को मिला। टेक्निया ग्रुप के सभी संस्थानों ने कार्निवल में आयोजित प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में टेक्निया ग्रुप के चेयरमैन राम कैलाश गुप्ता ने भी शिरकत की। देश में कोरोना वायरस के सब वेरियंट JN1 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बताया है कि दिल्ली में रोजाना करीब 400 से 500 लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है, जिनमें से हर रोज 5 से 7 लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अथॉरिटी को RT-PCR टेस्ट के लिए पर्याप्त नमूने भेजने के निर्देश दिए हैं और लोगों से कोरोना के बचाव के लिए सावधानी बरतने की अपील की है। सोमवार को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने संसद से पास राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून 2023 को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों और एजेंसियों के साथ बैठक की। बैठक में पीएम उदय और PMAY के तहत अनाधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण और झुग्गी वासियों के पुनर्वास से संबंधित कार्यों की प्रगति और स्थिति का जायजा लिया गया। साथ ही कार्य को 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। दिल्ली की सड़कों पर जल्द ही 56,000 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। योजना के तहत दिल्ली की 1400 किलोमीटर लंबी सड़कों पर इन कैमरों को 100 मीटर की दूरी पर दोनों ओर लगाया जाएगा। PWD की इस योजना के तहत दिल्ली की सड़कों पर सुरक्षा के मामले में मदद मिलेगी। कैमरों को लगाने के लिए PWD ने सर्वे शुरू कर दिया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम की तारीखें तय कर दी है। 1 जनवरी से 15 जनवरी 2024 तक प्रैक्टिकल्स कराए जाएंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन से पहले CBSE बोर्ड ने परीक्षा से संबंधित गाइडलाइंस जारी कर दी है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 28 दिसंबर से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शुरू होने वाली सीरीज के लिए भारत की महिला वनडे क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। टीम में पहली बार श्रेयंका पाटिल, मन्नत कश्यप, सेका इशाक और टिटास साधु को शामिल किया गया है। ऑफ स्पिन ऑलराउंडर श्रेयंका ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज में 5 विकेट चटकाए थे, जबकि सेका और मन्नत बाएं हाथ की बेहतरीन स्पिनर है। कॉफी विद करण का आगामी एपिसोड इस बार बहुत रोमांचक होने वाला है। इस बार शो में बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा शर्मिला टैगोर और उनके आशिक मिजाज बेटे सैफ अली खान की जुगलबंदी देखने को मिलेगी। हाल ही में शो का नया प्रोमो जारी किया गया है। प्रोमो में शर्मिला टैगोर अपने बेटे सैफ की आशिकी से जुड़े किस्सों को शेयर करती नजर आ रही है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक्निया न्यूज। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।